कहां पुलिसकर्मियों पर हुआ लाठीचार्ज, बालाघाट एनकाउंटर की सीआईडी जांच होगी, कश्मीरी युवाओं को तराशेंगे रैना, राज्य से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप नाइन राज्य। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों और पुलिस के बीच जमकर धक्कामुक्की हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंच गए और एसडीएम के मुंह पर काली पोत दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की धक्कामुक्की भी हुई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में यहां एक सिपाही दिव्यांग व्यक्ति को बुरी तरह धक्का दे रहा है। दिव्यांग थाने पर सिपाही द्वारा मारपीट की शिकायत लेकर पहुंचा था। मामले में कार्रवाई करते हुए सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। शत्रु संपत्ति मामले में जेल में बंद सांसद आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। आजम खान पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में शामिल करने का आरोप है। रामपुर से सांसद आजम खान पिछले 6 माह से पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ सीतापुर की जेल में बंद है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का विरोध किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 6 सितंबर की रात एनकाउंटर में मारे गए शख्स को लेकर एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने आ गई है। एमपी पुलिस पर आरोप है कि उसने एक आदिवासी शख्स का एनकाउंटर कर उसे नक्सली दिखाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ सरकार की नाराजगी के बाद एमपी सरकार ने मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शुक्रवार देर रात पुलिस और 4 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हो गए, बाकी के 2 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ गोकशी सहित 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। राजस्थान के सीकर में ट्रक और एम्बुलेंस की टक्कर से हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा आरटीओ की लापरवाही की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि आरटीओ दस्ते ने ट्रक ड्राइवर को अचानक रुकने का इशारा किया, जिससे ट्रक आगे चल रही एम्बुलेंस से टकरा गया। हादसे में घायल लोग हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना जम्मू कश्मीर के बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण देने के लिए जम्मू और कश्मीर में 5-5 क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे। सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और राज्य के युवाओं के खेल कौशल में सुधारने की योजना पर चर्चा की। मुलाकात के बाद सुरेश रैना ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी